रूस यूक्रेन जंग के बीच हर दिन भारत का नाम लेना इस बात को दिखाता है कि भारत कितना मजबूत हो गया है, भारत कितना शक्तिशाली हो गया है। एक तरफ अमेरिका है जो रह रहकर भारत से इस मसले पर बातचीत करना चाहता है, तो रूस बार बार ये कहता है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में भारत मध्यस्थता करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बार यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से उम्मीद जताई है कि भारत वर्तमान की स्थिति को समझेगा और सही का समर्थन करेगा। अब सवाल खड़ा हो रहा है यह कि भारत रूस की दोस्ती की वजह से यूक्रेन के विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया क्या, और क्या पीएम मोदी का यूरोप दौरा इस युद्ध को खत्म कर देगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा, भारत के रूस के साथ जो रिश्ते रहे हैं वो अलग बात है। वे कहते हैं कि भारत के रूस के साथ खास रिश्ते हैं, लेकिन जिस रूप से आज हम सामना कर रहे हैं वो एक हत्यारा है, क्रूर है, रेप करने वाला है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत वर्तमान स्थिति को समझेगा और सही का समर्थन जरूर कहेगा। वैसे बातचीत के दौरान यूक्रेनी विदेश मंत्री द्वारा रूस की परमाणु धमकी पर भी खुलकर बात की गई। उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा होने पर रूस का विनाश तय है। वो कहते हैं कि यूक्रेन के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, पश्चिमी देश भी रूस पर परमाणु हमला नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब रूसी विदेश मंत्री ऐसी धमकी देते हैं, इसका मतलब है रूस परमाणु हमला कर सकता है। ये तो मानवता पर सीधा सीधा हमला है। इससे पहले यूक्रेन के संस्कृति और सूचना मंत्री ओलेक्सांद्र ने कहा था, कृपया भारत यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रूप से समर्थन दे और पश्चिमी देश भी जितनी जल्दी हो सके रूसी तेल और गैस के निर्यात पर वास्तविक प्रतिबंध लगा दे। यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई कई दशक पहले यूरोप में एडोल्फ हिटलर की तुलना में अलग नहीं है, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य उनके देश पर पूरी तरह से कब्जा करना है और इसकी पहचान को मिटाना है। भारत और यूक्रेन लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, और मेरा मानना है कि एक स्वतंत्र देश में रहने के अधिकार के लिए यूक्रेन के लोग जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ते हैं वे भारतीय लोगों द्वारा भी साझा किए जाते हैं। मैं बहुत आभारी रहूंगा यदि भारत युद्ध के इस समय में अधिक सक्रिय रूप से यूक्रेन का समर्थन कर सके। एक तरफ भारत जहां दिल से यूक्रेन में शांति कायम करवाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त यानी रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहता। आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस की कमर पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन दुनिया में भारत ने खुद को इतना मजबूत बनाया है, चाहे वो बात आर्थिक नीति की कर लें या विदेश नीति की कर लें या फिर मेक इन इंडिया जैसे पहल की हो, जिससे भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर घटी है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। 2030 तक भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ओपन मार्केट इकोनॉमी में खुद को डेवलप कर रहा है भारत। साथ ही भारत के पास चौथी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है, लेकिन भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा, गुटबाजी से हमेशा ही दूरी बनाकर रखा है। जाहिर है भारत हर फ्रंट पर बड़ी ही मजबूती के साथ खड़ा है। कोई भी पक्ष भारत से दूरी नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ नजदीकी चाहता है। सबके हित भारत से जुड़े हैं। मुश्किल समय में हर देश भारत की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखता है। हर देश भारत से सिर्फ और सिर्फ दोस्ती चाहता है। जय हिंद।